के हत्यारे को इस पाप का मूल्य अवश्य चुकाना होगा। इस षड्यंत्र के सूत्रधार को अवश्य दंड मिलेगा और वो दंड मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। जो संसार में आता है उसके जीवन का कारण और निवारण स्वयं नियति चुनती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अर्जुन से विवाह करना नहीं है, परंतु उससे बहुत ऊंचा है। तुम्हें तो इतिहास की धारा का मार्ग बदलना है, एक महान शांति का कारण बनना है। तुम अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि से जन्मी हो, परंतु कोई और भी है जिन्हें अग्नि छू भी नहीं पाई। ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी लोग सुरक्षित आ गए युवराज। सुरक्षित तो हम तभी हो गए थे जब काका श्री विदुर ने हमें षड्यंत्र के बारे में बता दिया था। विदुर काका श्री ने मलेच्छ भाषा में संदेश भेजा है कि 1 लाख शिखर है, इसका निर्माण 1 लाख घियो लकड़ियों से किया गया है। ये हमें भस्म करने के लिए बनाया गया है। हमें यहाँ से बच निकलने की योजना बनानी होगी। पुरोचन ने आज रात्रि हमें भोज का निमंत्रण दिया है, इसका तात्पर्य समझते हो? हमें विषयुक्त भोजन कराना चाहता है ताकि हम यहाँ से बचकर ना निकल सके। पुरोचन आ रहा है। भोजन के पश्चात किस किस को क्या क्या करना है, योजना स्मरण रखना। पुरोचन की भार्या अपने 5 पुत्रों के साथ यहाँ उपस्थित है। आज भोजन के समय आपको अपना एक आभूषण पुरोचन की भार्या को भेंट देना होगा। न जाने अब भरपेट भोजन फिर कब करने को मिलेगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। सब ठीक है ना? बालक सुरक्षित है ना? नहीं, तनिक आंख लग गई। बालक भवन में ही सो रहा है। मूर्ख, शीघ्रता करो, ये लाक्षाग्रह है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा। किस ओर युवराज? हस्तिनापुर नहीं, हस्तिनापुर से कहीं दूर। क्यों माता? हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब समझेंगे कि हम काल में समा गए। अच्छा है ना? मैं भी यही चाहती हूँ कि सब यही समझे। बार बार तुम्हारे प्राणों पर आक्रमण तो रुकेगा। परंतु माता, दुर्योधन ने हमारी हत्या का प्रयास किया है और वो राजा बनने के लिए कोई चक्र रचता चाह रहा है। हमें उससे प्रतिकार लेना ही होगा। उसके प्रतिकार के पश्चात वो फिर तुम पर प्रहार करेगा। मेरे पुत्र राजा ना बने, ये मुझे स्वीकार है, परंतु तुम तुम्हारे प्राण की हानि नहीं। हमें वन जीवन का अभ्यास है ना, हम वही रह लेंगे। तुम पांचों भाइयों में प्रेम बना रहेगा, किसी की घृणा, किसी का विद्वेष नहीं। हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। अपनी माता की विनती नहीं मानोगे? माता विनती नहीं, आदेश करती है माता श्री। हस्तिनापुर तो क्या, आपकी प्रसन्नता के लिए संसार भर का राज्य त्याग सकते हैं हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। परंतु दुर्योधन को उसके किए का दंड देना होगा। आनंद आ गया, आनंद आ गया मामा श्री। हमारी पांचों बाधाएं एक साथ समाप्त हो गई, एक साथ समाप्त हो गई। मेरे होने वाले सम्राट, मामा श्री को लाहल कैसा? तुमने लगाई और एक मैंने, हाँ मैं सब जान गया हूं। अब क्या करोगे? मुझे भी जला दोगे जैसे पांडवों और कुंती माता को जला दिया? मित्र कर्ण, ये सब क्या हो रहा है? वार्ना व्रत की अग्नि है ये। जो हस्तिनापुर तक आ पहुंचे, कारण ही क्रोधित हो रहे हो मित्र। पांडव शत्रु थे, उनका नाश कर दिया आवश्यक था। तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के विरुद्ध न मैं कल था और न मैं आज हूं, परंतु काय रुके बाती वो चक्र रचने के विरुद्ध मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। तुम्हें अपने मित्र के शस्त्र बल पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तुम केवल अपने शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारते थे और मैं स्वयं तुम्हारे लिए उन्हें पराजित करके उन्हें तुम्हारे चंडों में प्रस्तुत कर देता। यही तो तुम्हारी समस्या है कर्ण, तुम सदा शस्त्र उठाने को तत्पर रहते हो, परंतु राजनीति में युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते और ना ही शस्त्रों से लड़े जाते, क्योंकि षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक घातक अस्त्र होता है और जिनको बातों से बुद्धि से परास्त किया जा सकता है उनके लिए युद्ध क्यों? क्या तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो? जिसने भीम को विष देकर मारना चाहा, वो अब तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाला तुम्हारा ये मामा तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। इसकी चाल में मत फंसना मित्र। आज कर मुझे मेरा पद क्या है, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। भूल गए कैसे? उन पांडवों के कारण मुझे ही नहीं तुम्हें भी मान सेना पड़ा था कर्ण। उनका नाश आवश्यक था, मांग चाहे जो भी हो। और माता कुंती का अंत क्या वो भी उचित था मित्र? स्त्री, बालक और निशस्त्र शत्रुओं पर प्रहार करना, क्या यह भी एक योद्धा का धर्म होता है? बताओ मित्र, बताओ। समझने का प्रयास करो कर्ण। किसी को केवल प्रतिशोध लेने के लिए जीवित छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं, कंटकों के वृक्ष को समूल नष्ट कर देना ही उचित है। ठीक कहा आपने। आप मेरे मित्र के जीवन के सबसे बड़े कंटक हैं, तो आज मैं आप ही का अंत कर देता हूं। आपने एक योद्धा को षड्यंत्र रचना सिखाया और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कैसे करता है। कर्ण। अपनी सीमा में रहो, मत भूलो कि तुम्हें राजा किसने बनाया है। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके पास ना क्षत्रिय का साहस है और ना ही राजा की मर्यादा। कर्ण! आज मैं अंगराज का पद त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। और तुम्हें भी। पांडवों का अंत जिस प्रकार से हुआ उसकी पीड़ा सदैव रहेगी, परंतु उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की रहेगी कि मेरा मित्र अनुचित मार्ग पर चला गया, कि एक योद्धा कायरता के मार्ग पर चला गया। अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.